डियर फ्रेंड्स, भर जिसे 9 क्लासेस में कंप्लीट की जाती है उसके फर्स्ट क्लास में स्वागत है आपका। भर हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम व्हिच मींस एक्शन। भर को लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया जिसका अर्थ है एक्शन। द वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब, जैसे प्लेस, पेन, प्ले, रीड, लाफ एटसेट्रा। वर्ब है पेन एन आर्टिकल ऑन कोविड-19। कोविड-19 पे एक लेख लिखो, पेन यहाँ भर है, लेकिन कहा जाए डियर कि योर पेन इज वेरी कॉस्टली, तो वहां पर पेन आपका नाउन है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ब, हम लोग भर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पांच तरीके से, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, देसी कॉन्सेप्ट, हॉट टिप्स एंड यूज। डेफिनेशन क्या है? एन एक्शन वर्ड है वर्ब, और इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे लाता सिंग्स एवरी सॉन्ग ब्यूटीफुली, लाता सिंग्स करती है तो सिंग्स एक्शन वर्ड है और लाता नाउन के वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज वर्ब। वर्ब को आइडेंटिफाई करने का फॉर्मेशन मेथड क्या है? आईएफआई, आईएसटी, आईजेडी, एटीई, ईएल, ईआर, आईएसएच, जिस भी वर्ड का अंत होगा वह सबका सब वर्ब होता है। जैसे आईएफआई, ग्रेटिफाई, पर्सोनिफाई, सर्टिफाई, ग्लोरीफाई, यूनिफाई, क्लासीफाई, प्यूरीफाई एटसेट्रा, सब वर्ब है। आईएसी, डिसगाइज, कंप्राइज, रिवाइज, इम्प्रोवाइज, डिवाइज एटसेट्रा, सब वर्ब है डियर। आईजेडी से बनने वाला वेस्टर्नाइज, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ऑर्गेनाइज, पोलराइज, जनरलाइज, मिनिमाइज, लिबरलाइज, कंप्यूटराइज एटसेट्रा, सब के सब वर्ब है। जिस भी वर्ड के अंत में एटी होगा, जैसे कंसंट्रेट, कंग्रेचुलेट, इमिटेट, इरिटेट, इरिगेट, लिबरेट, सब वर्ब है। ईएन, वीकेन, वाइसेन, स्ट्रेंथन, लेसन, शार्पन, लाइटन, इनलाइटन, सब वर्ब है। ई से बनने वाला पीडी, साइट, यूनाइट, राइट एटसेट्रा, ऑल आर वर्ब्स। ई आर जिस अंत में हो, जैसे बोदर, वांडर, डेटर, मस्टर, पॉन्डर, कॉन्फर, इनफर, अटर, डेफर, ऑल आर वर्ब्स। लेकिन डियर, वर्ब जो ऑलरेडी वर्ब है और उसमें ई आर लगेगी वह नाउन बन जाएगा, और जिसमें ई आर नहीं जोड़ना है, पहले से ही लगा हुआ है, वह वर्ब है। तो बोदर वर्ब है और थिंक वर्ब में ई आर जुड़े तो यह नाउन बन गया थिंकर। राइट में आ जुड़े तो राइटर नाउन बन गया। अर्थात आई एस एच भी जिस वर्ड के अंत में होगा वह हमेशा भी वर्ब बनता है। जैसे अबोलिश, एडमोनिश, डिमोलिश, डिमिनिश, डिस्टिंग्विश, फिनिश, गार्निश, पनिश, एस्कर्विश। यहां ध्यान रखना है डियर, आईएसएच एडजेक्टिव सफिक्स की है, अर्थात जिस अंत में आईएसएच तो वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, चाइल्डिश, सेल्फिश, वुमनिश एटसेट्रा। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डियर? तो जो आईएसएच से अंत होने वाला वर्ड कैसा है, क्या जवाब देगा? वह एडजेक्टिव होगा, और आईएसएच से अंत होने वाला यदि एक्शन वर्ड है, कार्य को दर्शा रहा है, तो वह वर्ब है। हिंदी कॉन्सेप्ट क्या है, देसी कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? हिंदी के तमाम वर्ड जिसके अंत में ना लगा हो और उससे कार्य का जो होता है वह सभी के सभी वर्ब होते हैं। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, मुस्कुराना, आना जाना, ये सभी के सभी वर्ब हैं। लेकिन नाना और पटना के अंत में भी ना है, परंतु इनसे एक्शन का बोध हो रहा है, यह वर्ब नहीं है। और पटाना, इरिगेट, सिंचाई करना, पटाना, वह वर्ब है। हॉट टिप्स क्या है? कौन कार्य जिससे एक्शन का बोध, जैसे टैगोर रोट गीतांजलि एंड ओन नोबेल प्राइज इन 1930। रोट और ओन दोनों वर्ब है। यूज के आधार पे, यूज यहाँ पे, जैसे प्लेस इट इन द किचन, इसे किचन में रख दो, प्लेस यहाँ वर्ब है, और पेन एन आर्टिकल ऑन कोविड-19, और यहाँ पेन भी आपका वर्ब है। लेकिन कहेंगे दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, अर्थात वहां आपका प्लेस क्या हो गया डियर? नाउन है। अब वर्ब 25 काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को अनेकों नाम से जानते हैं और हेल्पिंग वर्ब को भी अनेकों नाम से जानते हैं। मेन वर्ब क्या है? द वर्ब व्हिच हैज इट्स ओन मीनिंग एंड यूज्ड इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मेन वर्ब। और ऑक्सिलरी क्या है? तो द वर्ब व्हिच हैज नाइदर इट्स ओन मीनिंग नॉर यूज्ड इंडिपेंडेंटली, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब डियर दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का ही ले सकता है, टेल, आस्क, रीड, अलाउ, टीच, राइट, रिक्वेस्ट, ये ऑलवेज ऑब्जेक्ट लेंगे। और ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव, एक ऑब्जेक्ट लेने वाला और दो ऑब्जेक्ट लेने वाला। आइए एग्जांपल देखते हैं, ही गेव टू मी अ पेज और शी टोल्ड टू देम, तो यहाँ टू का प्रयोग दोनों में गलत है क्योंकि गेव और टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन आ ही नहीं सकता है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सन के लिए जो आता है इनडायरेक्ट और थिंग के लिए आता है वह डायरेक्ट है, जैसे ही गेव अ पेन टू मी शी टोल्ड अ स्टोरी टू देम। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, गेट अप, वॉक, डांस, लिसन, वेट, डाइन, अराइव, ये हमेशा अपने बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब ही ले सकते हैं और इनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आ सकता है, यह बार बार एग्जाम में आता है डियर। जैसे सी डांसेस एट्रैक्टिवली एडवर्ब है यहाँ, और ही डाइड ऑफ कोरोना यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है आपका। फिर मेन वर्ब दो प्रकार का होता है, प्लुरल वर्ब एंड सिंगुलर वर्ब। प्लुरल वर्ब भी वन को कहा जाता है जिसमें कुछ भी नहीं लगा रहता है, और सिंगुलर वर्ब वर्ब का पांचवा रूप को कहा जाता है जिसमें एस और ईएस हमेशा लगा रहता है। ऐसे तो वर्ब पांच फॉर्म में होते हैं, भी वन, भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइव। तो वर्ब जन्म से ही प्लुरल होता है, अर्थात जैसे बच्चे का जन्म होता है उसको देखने के लिए अनेकों कर्ता धर्ता चाहिए, अनेक माने प्लुरल, कर्ता धर्ता माने सब्जेक्ट, अर्थात प्लुरल सब्जेक्ट ही लेगा अपने साथ भी वर्ब जिसका भी अभी जन्म हुआ है, नंगे धड़ंगे उसमें कुछ नहीं लगा है, लेकिन दो वर्ष का हो गया तो डी ईडी लगा रहता है, तीन वर्ष का हो गया ईएनईटी लगा रहेगा, चार वर्ष में आईएनजी क्रिया जारी हमेशा कुछ कुछ करते रहता है, और पांच वर्ष का हो गया तो शॉर्ट और इंसर्ट माने ए से आई एस हमेशा लगा रहता है क्योंकि उसको शर्म आती है, और उसको कुछ भी कीजिए आप, खिलाइए, कुछ कीजिए, कहेगा कि अपने से करेंगे माने अकेले करेंगे, अकेले माने सिंगुलर, करेंगे माने करता, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेता है सिंगुलर वर्ब। तो डियर मेन वर्ब पुनः दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब माने वीक फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका तीनों फॉर्म एक समान हो उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है, जैसे रीड, रेड, रेड, कट, 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 पुट, 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 बेट, बेट, बेट। और इरेगुलर वर्ब क्या है, जिसके बीच के वोवेल को चेंज करके या अंत में डी ई डी जोड़ करके उसका भी भित्री बनाया जाए वह इरेगुलर वर्ब या स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है, जैसे अराइज, एरोज, अराइजन, वुड, वुड। और फिर मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, डायनेमिक वर्ब और पॉजिटिव वर्ब। डायनेमिक वर्ब को तीन नाम से हम जानते हैं, डायनेमिक, एस्टेटिव, नॉन क्लूसिव, अर्थात वह वर्ब जिसका प्रयोग भी भूत रूप में हम नहीं कर सकते वह डायनेमिक वर्ब कहलाता है। यह पांच प्रकार का होता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ थिंकिंग और वर्ब ऑफ ऑनरशिप। और ये सभी क्या है, नो, सी, हियर, विश, लव, बिलीव, लुक, अपीयर, सपोज, अंडरस्टैंड, ओन, कंप्राइज, ये सभी आपके डायनेमिक वर्ब है, इनका प्रयोग हम डिफॉल्ट ग्रुप में नहीं कर सकते हैं। अब लुक के बारे में, लुक का अर्थ होता है उपस्थ माने लुक का अर्थ क्या हो गया, देखना, और लुक का होता है महसूस होना भी, तो जब देखना होगा तो आईएनजी होगा और महसूस होना होगा तो आईएनजी नहीं होगा। जैसे इट इज लुकिंग लाइक अ घोस्ट, योर घोस्ट जैसा दिखता है तो यह गलत है, आईएनजी गलत है, और इट लुक्स लाइक अ घोस्ट सही है। अपीयर का अर्थ उपस्थित होना होगा तो आईएनजी होगा, ही इज अपीयरिंग एट एग्जाम दिस ईयर, और अपीयर का अर्थ महसूस होना होगा तो आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, सी इज ब्लीडिंग इन गॉड, He is playing a flag in New Delhi. I am knowing you very well. They are hearing a romantic song. In my understanding, believing, owing, or knowing or hearing, सब गलत है। परंतु dear, यदि understanding का प्रयोग noun रूप में करेंगे तो सही होता है। जैसे your understanding is very sharp. और causative verb, प्रेरणार्थक क्रिया, make से बनने वाला और get से बनने वाला युगल प्रकार का होता है। जैसे मेक ऑब्जेक्ट बी वन, सी मेक्स मी वीप वेरी मच, वह मुझे बहुत रुलाती है, तड़पाती है। और गेट ऑब्जेक्ट बी थ्री, अर्थात आई एम गेटिंग माई हेयर कट, यह पॉजिटिव वर्ब है।
ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी अर्थात बी, हैव, डू, इसके पांच फॉर्म होते हैं, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव। बी आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। द पुअर आर ऑनेस्ट, आर यहाँ मेन वर्ब है और दे आर कमिंग नियर और आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आता है और यहाँ पर यह सपोर्ट नहीं करने कर रहा है, वह डायरेक्ट मेन वर्ब है। और इसी को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, अर्थात लिंकिंग वर्ब इसी का एक दूसरा रूप है। लिंकिंग वर्ब क्या है, जो कनेक्ट करता है प्रेडिकेट को, इट ऑलवेज कनेक्ट्स प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, सभी को बात छोड़कर सब बाकी सब चीज प्रेडिकेट होता है, जैसे ही इज अ कमांडर इन चीफ, तो इज अ कमांडर इन चीफ यहाँ पर यह प्रेडिकेट है जिसको लिंक कर रहा है कौन, इज। मॉडल ऑक्सिलरी किसे कहेंगे, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होता है वो मॉडल ऑक्सिलरी होता है और यह मात्र इसकी संख्या 13 होती है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू, आउट टू, मस्ट, इसके बाद मात्र भी वो नहीं आ सकता है, बाकी ग्रामर में कुछ भी रखना उसके बाद वो गलत होता है। अर्थात नाउन, जीर एंड इन इंफिनिटिव, टू प्लस ह्यूमन के रूप में, और भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइव, कुछ भी इसके बाद नहीं आ सकता है। डियर, और सेमी मॉडल दो प्रकार के होते हैं, सेमी मॉडल को इनको मार्जिनल भी कहते हैं और एडियोमेटिक भर भी होता है। और नीड और डेयर को सी मॉडल क्यों कहेंगे, क्योंकि यह मेन और मॉडल दोनों के रूप में काम करता है। जैसे वी नीड टू मीट यू, यहाँ नीड मेन वर्ब है, और वी नीड नॉट मीट यू, नीड नॉट मॉडल ऑक्सिलरी है, और सब्जेक्ट के पहले भी नीड आ जाए क्वेश्चन में तो वह मॉडल हो जाता है। जैसे नीड वी मीट यू, यह मॉडल है। और एडियोमेटिक, हैड बेटर, कुड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड सूनर, उड रादर, इनके बाद मात्र जीवन आता है। डियर, जैसे यूड बेटर, गो देयर। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे, जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से और तथा टेंस से प्रभावित नहीं होता है वह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। यह तीन प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जीरो और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, फुल इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव। ऑलवेज टू प्लस गिवन और भी वन विदाउट टू को बेर इन्फिनिटिव कहेंगे। जीरन क्या है, भी फॉर जब नाउन का काम करेगा तो वह जीरन होता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब का चौथा रूप एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में काम करेगा तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और वही वर्ब का चौथा रूप जब नाउन रूप में कार्य करता है तो वह जीरन होता है। भी थ्री पास्ट पार्टिसिपल है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग भी थ्री, बीइंग भी थ्री, हैविंग बीन भी थ्री। जैसे हैविंग बीन डिफीटेड द आर्मी, डायनामिक।